आदरणीय राष्ट्रपति महोदय एवं उपस्थित सभी महानुभावगण, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रथम नागरिक के समक्ष एवं इस ऐतिहासिक दरबार हॉल में अपने अनुभवों को व्यक्त करने का अवसर मिलना मेरे लिए अत्यंत ही गौरव एवं सम्मान का विषय है। माननीय महोदय, मैं मध्य प्रदेश के सतना जिले के एक छोटे से गाँव अमदरा को की निवासी हूँ, जहाँ प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता एवं महिलाओं की साक्षरता दर आज भी चिंता का विषय है। इसके बावजूद मैं आभारी हूँ महोदय उन्हीं शासकीय विद्यालयों एवं तकनीकी महाविद्यालयों की, जहाँ शिक्षा ग्रहण करके आज मैं राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय कर पाई। मैं आभारी हूँ अपने माता पिता की, जिन्होंने लड़का लड़की का भेद ना करते हुए मेरे अंदर के महत्वाकांक्षाओं को सदैव अपने जीवन की प्राथमिकता बनाई। उन्होंने मुझे अपने गाँव, अपने देश और अपनी संस्कृति पर सदैव गर्व करना सिखाया, और इसका ही परिणाम है कि मैं आज न केवल अपने गांव बल्कि अपने संपूर्ण राष्ट्र के निर्माण में सहयोग देने के काबिल बन पाई। माननीय महोदय, एक प्रशिक्षु से एक जिम्मेदार सिविल सेवक बनने का हमारा सफर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी के 92 फाउंडेशन कोर्स से प्रारंभ हुआ, जहाँ पर अनुशासन, समयबद्धता एवं अंतर सेवा कमराडरी जैसे मूलभूत गुण हमें सिखाए गए। स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास होता है, और इसका अभ्यास हमें प्रातःकालीन पीटी एवं योगासनों से कराया गया। पाठ्येतर गतिविधियों के द्वारा हमें आपस में जीवन पर्यंत संबंध, मित्रता एवं एस्पिरिट डेकोर का पाठ सिखाया गया। माननीय महोदय, 50 दिवस के भारत दर्शन में हमने इस महान देश के विशाल विस्तार, अद्भुत सौंदर्य एवं अचंभित कर देने वाली विविधता को देखा एवं अंतर्निहित किया। परिवीक्षा के प्रथम फेज के प्रशिक्षण के दौरान अकादमी में हमें एक जिम्मेदार सिविल सेवक के सारे गुणों से निष्णात किया गया। विशेषज्ञों द्वारा हमें भू राजस्व, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता एवं क्षेत्रीय भाषा का भी सम्यक ज्ञान प्रदान किया गया। अकादमी के सैद्धांतिक प्रशिक्षण के उपरांत महोदय, हम एक वर्ष की अवधि के लिए क्षेत्र प्रशिक्षण हेतु अपने काडर्स में गए। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण समय रहा, क्योंकि हमने सामान्य जनमानस के साथ सरकारी तंत्र का संबंध एवं उस तंत्र के एक हिस्से के तौर पर हमारी अपनी जिम्मेदारियों को हम समझ पाए। एक सिविल सेवक के रूप में जब मैं प्रथम बार कलेक्टर कार्यालय गई और वहाँ के कार्यों को मैंने निकटता से परिलक्षित किया, तब मुझे अत्यंत जवाबदेही एवं चुनौती का आभास हुआ। माननीय महोदय, द्वितीय फेज के प्रशिक्षण के उपरांत हमें 3 महीने की समयावधि के लिए सहायक सचिव के तौर पर केंद्र सरकार के साथ भी कार्य करने का एवं सीखने का अवसर मिला। इन 2 वर्षों की यात्रा के उपरांत महोदय, हम स्वयं को राष्ट्र निर्माण हेतु अधिक प्रेरित एवं समर्पित पाते हैं। मैं अपने शब्दों को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी। हम युवा देश की ताकत है, परिवर्तन लाकर मानेंगे, कर देंगे ऐसे काम जिन्हें सब मील का पत्थर जानेंगे। कृशकाय नहीं हो पाएगा ये वतन सहस्त्रों वर्षों तक, नवभारत को दुनिया वाले चिरयुवा नाम से जानेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। ऑनरेबल प्रेसिडेंट सर एंड सीनियर ऑफिसर्स, I am Suman Saurav Mohanty, born on the West Bengal cadre. It is an honor and privilege to share our collective experience as assistant secretaries in Government of India in this august gathering and in this historic Darbar Hall. July 1st, 2019 was a watershed event in our fledgling administrative careers. Fresh from a 2-year training course at Labasna, our alma mater, it was a unique platform to display our administrative competence in the roles assigned to us. The choice of ministries assigned to us was kept diverse to help us understand how governance touches the life of citizens in every possible way. Being part of a federal administrative setup, we learnt the fine art of coordination between center and states, thereby understanding the spirit and essence of cooperative federalism. The experience of understanding various mechanisms as to how the welfare goals of government are translated into policy actions shall help us in good stead in the subsequent part of our careers. In this era of good governance, sir, the public today expects, and rightly so, an agile governance mechanism which has foresight and bureaucracy which is innovative and result-oriented. A fine example of this in action was Jal Shakti Abhiyan, where we are sent as ambassadors for promoting water conservation practices at district level. This exercise helped us sensitize about the role of water as a public good and need to conserve it for future generations. Every Friday, we had an interactive session with secretaries of various departments who provided us valuable insights into pathways leading to New India 2022.
It was a unique opportunity, being the junior most in the civil service, to share our views with the senior most officers of Government of India and get their views on the same. Finally, sir, the work of 169 assistant secretaries in past 3 months was evaluated through a project assigned individually through a 3-stage rigorous process to ensure that performance meets the promise of excellence in public service delivery. A word of sincere thanks to DOPT, the chief architects of this program, who worked tirelessly to ensure every activity was in order. I would like to conclude my speech, sir, with a quote from Woodrow Wilson, called the father of public administration and former president of USA. He says, "There is no higher religion than human service. To work for the common good is the greatest creed. We shall strive to meet this goal in our careers ahead." Thank you, sir. Honorable President, sir, I am Nandini K.R. from Karnataka Cadre. At the outset, I wish to convey my heartfelt gratitude to the Honorable President for making time out of his busy schedule to address, guide, and inspire us. I feel very honored at the opportunity that I have today to share the collective experience of our batch in the historic Darbar Hall of the Rashtrapati Bhavan. Sir, it is said that life can only be understood backwards, but it must always be lived forwards. At this moment, when I look backwards, 2 years ago, on 27th of August 2017, 169 of us embarked on the journey of preparing and finally dedicating ourselves for public service. The foundation course offered a platform to interact with officer trainees across the services, also forging lifelong friendships and camaraderie. The village visit for many of us was a maiden opportunity to be among the rural society. Here we understood the challenges of rural development and insights to explore the solutions for the same. While morning PT and sports activities inculcated discipline, endurance, and team spirit, the Himalayan trek taught us to perform and achieve with the minimal resources at our disposal. The activities of various clubs and societies offered new hobbies to develop as well as ways to strike work and life balance. The 50 days winter study tour brought in front of us the Darshan of Bharat. Here, the stereotypes were broken and the prejudices were dissolved. It was the golden opportunity to unlock, understand, and appreciate the diversity of India. The academic sessions of Phase 1 professional course gave insights into the public administration and good governance. The guest speakers in the Life Beyond Work sessions brought to the desk the diverse perspectives towards service and life. Every speaker stood as a testimony to the quote, "In every adversity, there lies an hidden opportunity to innovate." A week-long foreign study tour enabled us to compare and learn from the models of governance followed elsewhere. Addressing the first batch of IAS probationers, Sardar Vallabhbhai Patelji said, "The future of service depends on the foundations laid by you, your character, and your abilities, and most importantly, the spirit of service." To conclude, Honorable President, sir, I would say that the 2 years of service has engraved in our hearts Shilam Param Bhushanam. The character is the highest virtue, reverberating the words of the Iron Man of India. Thank you. Mananiya Rashtrapati Ji, main Sheikh Tanveer Asif, Karnataka Cadre se, apni district training Mysore se maine ki. ये मेरे लिए एक खुशी का मौका है कि इस दरबार हॉल में आपके सामने मैं अपने प्रशिक्षित अधिकारी और सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित कर रहा हूँ। मैं इस बात पर भी खुशी व्यक्त करता हूँ कि हमारे बैच को ये मौका 2 बार मिला कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले और उनसे बातचीत की। इससे हमें केंद्र की अपेक्षाओं का और अपने प्रशासनिक जीवन में क्या हम कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए उसका अंदाज़ा लगा। हमारी प्रशासनिक सेवा की शुरुआत लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी से हुई, जहां हमने जो कुछ कक्षाओं में सीखा उससे ज़्यादा हमने अपने प्रशिक्षित अधिकारी दोस्तों से सीखा। वो भिन्न राज्य के अलग अलग राष्ट्र राज्य से आते हैं,
वहाँ हमने उनके साथ उनकी सभ्यताओं का, संस्कृतियों का, उनकी भाषाओं का, सारी चीज़ों का एक अंदाज़ा मिला और हमें उसका एक जीवन में अंदाज़ा लगा। हमारे इन 2 सालों में हमने कई अनुभव प्राप्त किए। इसमें हमारे जीवन में कई ऐसे अनुभव थे जो पहली बार हो रहे थे। किसी ने बर्फ़ के पहाड़ पहली बार देखे तो कई गाँव में पहली बार जा रहा था, किसी ने विदेश पहली बार गया तो कोई नॉर्थ ईस्ट पहली बार जा रहा था। तो ये प्रशासनिक जीवन में हमें ऐसा सुनहरा मौका मिला। हम जब विदेश गए थे, लंदन या साउथ कोरिया, हमने वहाँ का जो विकास का स्तर देखा, उससे एक बात का अंदाज़ा ज़रूर लगा कि हम भारत में ऐसा विकास कितनी जल्द ला सकते हैं। पिछले 3 महीनों से हम सहायक सचिव बनकर मंत्रालय में पोस्टेड हैं। यहाँ हमने जल शक्ति के दौरान हमने ज़िले का भी दौरा किया। वहाँ जाकर हमने ये चीज़ का सीखा कि केंद्र की अपेक्षा ज़िले से क्या होती है और ज़िले की अपेक्षा केंद्र से क्या होती है। अंत में मैं ये बात कहकर अपनी इस अनुभव शैली को ख़त्म करना चाहूँगा कि हम में से हर एक अधिकारी जो यहाँ बैठा है, वो अपने अपने क्षेत्र में काम कर इस देश का और अपना नाम रोशन करेगा। धन्यवाद। Honorable President Sir, a very good morning. My name is Ilakya and I belong to the Kerala cadre of Indian Administrative Service. Sir, first of all, I would like to thank you for giving us this extraordinary opportunity to share our experiences with you. Sir, I was fortunate to get trained in Kollam district of Kerala, which is famous for its cashew industries, a vibrant fishing community, to name a few. On a personal note, it was immensely gratifying to shoulder huge responsibilities during my district training by undertaking independent charges of Tahsildar, second class judicial magistrate and sub-divisional magistrate. At this moment, I would like to mention about the initiative of Mission Trans5 undertaken in Kollam district. Sir, Mission Trans5 is a social upliftment drive to sensitize the youth in the district about the aspects of inclusivity of the third gender in our society. Sir, I'm happy to share that the first batch of youth interns trained under this program were recognized as advocate of third gender's rights. Sir, I learned that the initiative like this imbibed the spirit of inclusivity and empathy among the public at large. Sir, another important experience I would like to share is witnessing public participation in governance during the unprecedented floods in Kerala. Being a nodal officer for managing flood relief materials, it was a satisfying experience in working with diverse set of people across various status of society at the time of crisis. Sir, be it the community volunteers, the local villages, the fishermen and the district officials, it was a very evident that despite differing priorities, everyone put their foot forward for a public good and a larger cause. Sir, this showed the signs of a committed society. Sir, we as a batch were able to witness the massive festival of democracy, the 2019 Lok Sabha elections, with myself involved in implementation of model code of conduct and expenditure monitoring. Sir, this experience helped us understand the importance of ensuring fairness and impartiality in not just the conduct of elections, but inculcating them in all the aspects of public life. Sir, I can assure you, in the days to come, we the 2017 batch of Indian Administrative Service would be thoroughly motivated to take the confidence of people on board and propel the nation forward in an effective manner. Thank you so much, sir. Jai Hind.